हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो हम जा रहे हैं ग्रीस, बच्चों की छुट्टियां हैं तो हमने सोचा चलें आउटिंग पे चलते हैं। ये हमारा प्लेन अब जा रहा है। ये देखिए, हमें खाना मिला है वहाँ पे। सम वेजिटेरियन था, सम चिकन भी था इसके साथ। KLM फ्लाइट थी हमारी, तो इनका खाना काफ़ी अच्छा लगा, बच्चों को पसंद आया इनका खाना। अदरवाइज़ तो बास फ्लाइट का खाना इतना अच्छा नहीं होता। ये अब हम एम्स्टरडेम पहुंच गए हैं। 1 आवर का हमारा स्टे था यहाँ पे, तो अब हम ग्रीस के लिए दूसरे प्लेन में बैठ गए हैं। देखिए कितना अच्छा व्यू है प्लेन में बैठ के, नीचे ऐसे लग रहा है नीले नीले आसमान नीचे हैं। अब हम यहाँ पे ग्रीस पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने गाड़ी रेंट की हुई है, अब उसकी तरफ जा रहे हैं। तो चलें फिर, अब हमें गाड़ी भी मिल गई है, अब हम चलते हैं अपने सफ़र पे। रवाना होते हैं जहाँ हमने एयरबीएनबी बुक करवाया हुआ है। बड़ा ज़बरदस्त लाइटिंग हुई हुई है, बड़ा खूबसूरत उन्होंने ग्रीस को बनाया हुआ। देखें ये रोड्स इतनी अच्छी डेकोरेट उन्होंने की हुई हैं, बड़ा खूबसूरत है। आप भी इंजॉय करें, देखें, सैर करें हमारे साथ। रात का टाइम है और लाइटिंग में और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सबवे है, इतनी अच्छी खूबसूरत सी कलर है, ऑरेंज कलर की है इनकी। चलें, सुबह हो गई है, अब हम जा रहे हैं सैर पे। आज हमारा एक्रोपोलिस जाने का प्रोग्राम है। ये इनकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी। चलें फिर चलते हैं, वहाँ जाके फिर आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ कि देखिए कितनी खूबसूरत इनकी बिल्डिंग्स हैं। अब हम पहुंच गए हैं। ये देखें, ये गलियां बिल्कुल लाहौर की गलियां लग रही हैं, पाकिस्तान की। बिल्कुल ऐसे ही आ रही थी फीलिंग जैसे हम लाहौर पहुंच गए हैं। साथ साथ में छोटी छोटी शॉप्स भी हैं इनकी, और बड़ा अच्छा एरिया है और बड़े अच्छे नाइस लोग हैं यहाँ के। ये अब हम वहाँ उसकी तरफ जा रहे हैं। ये देखें कितना खूबसूरत, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए थे, लेकिन अभी टूरिस्ट का मौसम नहीं था वहाँ जाने का, क्योंकि हल्की फुल्की ठंड थी वहाँ पे। यहाँ के हिसाब से तो बहुत कम थी, लेकिन फिर भी सर्दी थी वहाँ पे। लेकिन ये देखिए कितनी अच्छी प्लेस है, बहुत खूबसूरत व्यू और क्लाउडी वेदर है। तो अब हम ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं स्टेयर से। देखो काफ़ी पुरानी इनकी ये है प्लेस, लेकिन बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। बच्चों ने खूब इंजॉय किया यहाँ जाके। ये साथ साथ पीछे इनकी हाउस भी बने हुए हैं साथ में। यहाँ ऊपर आए हैं तो बारिश शुरू हो गई है हल्की सी।
तेज़ बारिश थी, 10 to 15 मिनट बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, सब लोग भीग गए वहाँ पे। तो अब हम नीचे उतर आए हैं वहाँ से, देखिए रोड्स पे अभी भी पानी नज़र आ रहा है बारिश का, लेकिन खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत व्यू और सिटी भी ग्रीस बहुत खूबसूरत है। आपको भी कभी मौका मिले तो आप वहाँ जाएं सैर करें। ये देखिए छोटे छोटे बाज़ार हैं इनके, बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल के। ये इनकी मोनेस्ट्राकी स्क्वायर प्लेस है, जैसे यहाँ पे डंडास स्क्वायर है वैसे यहाँ पे इनका ये प्लेस है। ये देखिए कितना खूबसूरत उन्होंने बिल्डिंग्स अराउंड में बनाए हुए हैं होटल, और ये इनका एक स्टोर था। हमने कहा चलें स्टोर की भी आपको सैर करवाते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बड़े डिब्बों में उन्होंने कैंडियाँ बंद की हुई हैं बच्चों के लिए, और मेरे बड़े बच्चे हैं तब भी उन्होंने कैंडियों को खूब इंजॉय किया। ये देखिए सारी यहाँ पे कैंडी चॉकलेट की ये शॉप थी, देखिए कितनी अच्छी डेकोरेट की हुई है उन्होंने। और चलें अब चलते हैं नाइट पार्क के लिए। यहाँ पे थोड़ी दूरी हमारा एयरबीएनबी है वहाँ पे, ये देखिए इनके होटल है वहाँ पे, उन्होंने बाहर से इतने अच्छे डेकोरेट किए हुए थे, अच्छे स्टाइलिश बनाए हुए हैं होटल उन्होंने। और नाइट वॉक भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, वेदर हल्का फुल्का ठंडा है। हमारे घर की तरफ जा रही है, आज हम म्यूजियम जा रहे हैं, ये 10 मिनट की वॉक है घर से, हमने सोचा चलें वॉक करते हैं। ये देखें बिल्कुल हमें लग रहा जैसे हम इंग्लैंड में आ रहे हैं, वहाँ सैर कर रहे हैं। ये म्यूज़ियम के बाहर की साइड है, बाहर भी उन्होंने बड़ा अच्छा सा ये बनाया हुआ है सेटअप। तो अब हम अंदर चलते हैं म्यूज़ियम में, बहुत बड़ा इनका म्यूज़ियम है, काफ़ी रश भी था, लोग काफ़ी ज़्यादा थे, अपने देसी लोग भी नज़र आए हैं थोड़े बहुत, लेकिन मोस्टली दूसरे ही लोग थे सारे। चले आप सैर करें, एंजॉय करें, म्यूजियम देखें। Thank you.
स्टेडियम काफ़ी बड़ा है, इसके 3 फ्लोर है। और ये देखिए कितना खूबसूरत उन्होंने सेटअप किया हुआ है इसका, और काफ़ी वाइड, बहुत अच्छी खुली जगह पे उन्होंने बनाया हुआ है। ये पता नहीं कौन कौन से उन्होंने बुत बनाए हुए हैं, मिट्टी के बुत बना बना के रखे हुए हैं। अब हम नेशन गार्डन जा रहे हैं, यहाँ से जो म्यूज़ियम के बिल्कुल पास ही है 5 मिनट की वॉक पे, तो चलें अब चलते हैं। नेशन गार्डन बहुत खूबसूरत उन्होंने देखिए बनाया हुआ है ट्री के साथ, और मोस्टली यहाँ पे ऑरेंज ही हैं यहाँ पे सारा। ये काफ़ी अच्छा एरिया उन्होंने किया हुआ है। तो अब हम नेशन गार्डन से बाहर जा रहे हैं, बच्चों ने कहा कि चलें अब हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, साथ में बच्चों को भूख भी लग गई है। अब काफ़ी सैर करके म्यूजियम देखा, फिर यहाँ पे सैर की। ये देखें इनका, आप सिटी देखें कितना खूबसूरत है। रश भी काफ़ी है, लोग बहुत ज़्यादा चलते फिरते नज़र आते हैं यहाँ पे, और अच्छा लगता है। हम आपको इनका सिटी पूरा दिखा रहे हैं, गलियाँ, बाज़ार, देखें घर बिल्कुल स्टाइलिश से अच्छे से बने हुए हैं। पाकिस्तान चलेंगे हम घूमने फिरने के लिए, ग्रीस है लेकिन लग पाकिस्तान रहा है। खूबसूरत से दरख्त, अभी अच्छे बाजार है इनके, चले सैर करते हैं। देखिए कितना अच्छे घर बने हुए हैं आमने सामने, बालकोनियाँ बनी हुई हैं, और सब ने ये शेड से लगाए हुए हैं कि कहीं बारिश ना पड़े। देखिए कितने अच्छे अच्छे ट्री उन्होंने रोड पे डेकोरेशन के लिए लगाए हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे रोड पे सैर करना गाड़ी में बैठ के। और ये इनकी हाईवे है, मॉल में जा रहे हैं कि अराउंड में देखिए उन्होंने इतना अच्छा वो बनाया हुआ है। दरमियान में मॉल है और साइड पे सारे उसके देखिए पानी जा रहा है, उन्होंने एक तफरी का एरिया भी बनाया हुआ है इतना खूबसूरत। उसके अराउंड में सारे पानी है और साइड पे छोटे छोटे ये उन्होंने पौधे लगाए हुए हैं, और दरमियान में सारा ये मॉल है इनका। ये देखें कितना खूबसूरत व्यू दे रहा है, ये पानी के साथ कितना खूबसूरत लग रहा है ये एरिया सारा। चलिए अब हम फिर दोबारा से लॉन्ग ड्राइव पे चले गए हैं,
और रास्ते में ये मिट्टी के बड़े पहाड़ रेड कलर के काफ़ी अच्छी पहाड़ बने हुए दोनों साइड्स पे रोड के, तो बड़ा अच्छा व्यू दे रहे हैं। साथ में क्लाउडी वेदर है, बादल आए हुए हैं खूबसूरत से, और खूबसूरत सा सफ़र है और बड़ा अच्छा लग रहा है। आप भी इंजॉय करें सफ़र को, देखें ये इतनी अच्छी जगह है सैर करने की। शाम हो गई है, रात आलमोस्ट हो गई है, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो देखें लाइटिंग में कितना अच्छा लग रहा है, ये सारी बिल्डिंग्स एरिया, तो इंजॉय करें नाइट टाइम के सफ़र को। और अब हमें ये नज़र आ गया है एक मॉल यहाँ पे, चले अब इस मॉल में चलते हैं। दी एथन मॉल इसका नाम है, और बड़ा बहुत बड़ा मॉल है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये देखें आप भी सैर करें इसकी, वाओ सो ब्यूटीफुल। देखिए कितनी लाइटिंग के साथ उन्होंने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है सारे मॉल को, काफ़ी अच्छी जगह सैर करने की। यहाँ से बच्चों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे इस मॉल में भी। वो जो पहला ही मॉल था वो भी अच्छा था, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत मॉल है। नाइट टाइम था तो फिर भी देखिए कितने ज़्यादा फूड एरिए में देखिए कैसे फुल भरा हुआ है। नाइट टाइम में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक होती है, बच्चों को भूख भी लगी हुई है, तो चलें फिर हम भी खाना खाते हैं। तो आप इंजॉय करें मॉल को। हमने वापसी पे सबवे में जाना है, तो इनकी सबवे भी देखते हैं। देखिए सबवे आ गई है, अब हम इसमें बैठने लगे हैं। ये सबवे का एरिया है सारा, तो चलें अब फिर चलते हैं घर की तरफ। 3 दिन हमारे अभी रहते हैं, तो इंशाल्लाह हमने सुबह जाना है सेंटरिनी के लिए। तो चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।